हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिम्मत ठाकुर ब्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड खुश होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज का जो वीडियो है वो है एक कुर्ती हॉल, जो कि मैंने कुछ कुर्ती ऑर्डर की थी वो अब आई हैं एंड कुछ पहले से मेरे पास, बाकी थोड़ा बहुत मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें एंड चैनल को प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड इंस्टा भी फॉलो करें हिम्मत ठाकुर 284। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कुर्ती है वो हमारी है, वो अभी तक मैंने पहनी नहीं है एंड मैं सब अभी लेकर, मतलब सब मैंने अभी इसका टैग भी, एक्चुअली मैंने इसको ऐसे ही निकाला था इसकी फिटिंग कर देने के लिए, मतलब मम्मी को, बट ये हुई नहीं। तो देख सकते हैं टैग भी अभी लगा ही हुआ है, देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट कुर्ती है जो कि है ब्लैक एंड वाइट। ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी। मेरे पास वैसे में जनरली कुर्ती मेरे पास होती नहीं है क्योंकि मैं जल्दी पहनती नहीं हूँ। और ये इस कुर्ती का रेट है 500। ये देख सकते हैं जो कि इसमें लगा हुआ है, अब तक मैंने निकाला नहीं। मैंने सोचा था कि जब मैं पहनूंगी तभी निकालूंगी, बाकी मैं आपको अच्छे से इसमें भी दिख नहीं रहा होगा। हाँ, तो ये है 500 की और इसका पैटर्न मुझे बहुत प्यारा लगा। आप इसको किसी भी प्लाजो, ये मैंने मीशो से ऑर्डर की थी और इसका प्राइस है 500, रियल प्राइस 500 ही है। एंड इसका जो पैटर्न है वो मुझे बहुत प्यारा लगा, मतलब थोड़ा सा इसमें है धागे की कढ़ाई नहीं होती है वो है। एंड ये आप गर्मियों में पहनो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई थिंक ये मैंने दिवाली के साइड मंगाया, मतलब दिवाली जब थी तभी मैंने मंगाया था, तब से मैंने इसको पहना नहीं क्योंकि दिवाली में मैंने दूसरी ड्रेस पहनी थी तो इसकी वजह से। और बाकी इसके साथ मैंने सोचा है कि ब्लैक या वाइट में प्लाजो या तो फिर डेनिम के साथ भी जाएगी। जैसे होता नहीं कि हम लोगों को कभी कभी अचानक से कभी कहीं जाना पड़ जाता है तो आप हमेशा तो नहीं, मतलब जैसे होता नहीं बहुत लोग टॉप और इन सब चीज़ों में नहीं कंफर्टेबल होते हैं, तो मेरा भी है कि 2-3 तो कुर्तियाँ होनी ही चाहिए कि आप कभी मंदिर जा रहे हो या कहीं पे भी ऐसे अचानक से जाना पड़े तो आप ये सब कैरी करो तो अच्छा लगता है। सो मैंने ये, अभी ये मेरी फिटिंग की भी नहीं, देख सकते कितनी बड़ी है, जो कि मुझे बस इसको कराना पड़ेगा, मम्मी करेंगी मेरी। और ये देखिए काफ़ी लॉन्ग भी है एंड इसके साथ शूज़ वाइट एंड या कुछ भी ऐसा पहनो तो बहुत प्यारा लगेगा। सो ये है फर्स्ट। सो मैंने सोचा मैं वो भी दिखा देती हूँ। इसका तो टैग निकल चुका है, ये भी 500 की ही है कुर्ती जो कि मैंने मंगाई थी मीशो से। एंड इसका मुझे ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी और इसीलिए मैंने ही मंगाई थी इसको। इसका जो पैटर्न है इसमें थोड़ा सा वर्क है, यहाँ पे इस साइड पे थोड़ा सा वर्क है एंड थोड़ा सा स्लीव्स पे है, देख सकते हैं आप। मम्मी ने इसको पहना है तो ये ऐसी है बाकी चीज़ों को आप इग्नोर करें तो ये है। एंड ये उन्हीं का साइज़ है तो ये, इसका टैग तो खैर निकल चुका है जो कि, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ और बाकी मैं लिंक डाल दूँगी। तो ये भी है 500 की और ये आप देख सकते हैं इसके साइजेस और भी अवेलेबल है वहाँ पे, तो आप देख सकते हो जाके जैसा भी आपको चाहिए हो। ये मम्मी का साइज़ है तो मैंने एक्सेल मंगाया था, जी एक्सेल मंगाया था। वैसे तो आपका जैसा भी साइज़ हो आप वैसा ऑर्डर कर सकते हो। तो ये है सेकेंड कुर्ती एंड इसका मुझे कलर एंड पैटर्न बहुत अच्छा लगा था, जिसमें वाइट वाइट से इसमें जो फ्लावर्स बने वो बहुत प्यारे हैं। एंड थर्ड कुर्ती, ये चीज़, ये मेरे मौसी की शादी थी तो मैंने नहीं, मेरी सिस्टर ने ये मंगाया था तो ये भी मैंने, ये मीशो का नहीं है, ये फ्लिपकार्ट का है, मैं इसका भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो ये है प्लाजो जो कि आप देख सकते हैं, नहीं इसको आप नहीं देख सकते, सॉरी बहुत क्या ही बोलूँ, नहीं दिखा सकती, इसमें प्रेस करके अच्छे से दिखाऊंगी। एंड फोर्थ जो है, नहीं मैं उसका वो कुर्ती भी दिखा देती हूँ। तो वो तो प्लाजो था एंड बाकी चीज़ों को आप इग्नोर अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दें, वरना अदरवाइज ये कुर्ती बहुत प्यारी है। बाकी मेरी बहन का है, उसने ऐसे रखा है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। देख सकते हैं ये है इसका नेक जो कि बहुत प्यारा है और ये देख सकते हैं कितनी प्यारी, और यहाँ इसमें वो भी दिया हुआ है थोड़े से कि इसका लुक बहुत अच्छा है एंड यहाँ से आप इसको ऐसे बंद करके, और बाकी इसका लुक बहुत प्यारा है। हमने जानकारी की कुर्ती जो कि बहुत प्यारी आई और इसकी, इसका प्राइस है 600 एंड इसके अंदर हमें ये भी मिला हुआ है जो कि ऐसे ऐसे आप नॉर्मली खरीदोगे तो फिर आपको बाहर से भी लेना पड़ेगा या बनवाना पड़ेगा, लेकिन ये इसी के साथ ही हमको मिला है जो कि मेरी मम्मी की ही कुर्ती है, मेरी नहीं है। सो ये देख सकते हैं ये अंदर से समीज है एंड फिर ये है कुर्ती, ये तो बहुत प्यारी है, ये देख सकते हैं ये हम, ये है इसका नीचे का एरिया एंड फिर ये, एंड ये इसका नेक भी बहुत प्यारा है, देख सकते हैं आप। एंड ये है इसकी स्लीव्स जिसपे भी कढ़ाई हुई है एंड ये काफ़ी प्यारी है इस, और बैक पे भी एक
ऐसा फ्लावर बना हुआ है। तो बाकी तो लखनवी कुर्ती है ये एक्चुअली, तो ये भी आपको मीशो पे मिल जाएगी एंड इसका प्राइस है 600। एंड ये मैंने मंगाया था अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक 3 वीक्स हो गए, तब से मैंने सब रख रखा हुआ है कि मैं एक साथ सबका बनाती हूँ एक हॉल टाइप में, तो इस वजह से। एंड इसके साथ तो वाइट लेगिंग या कुछ भी आप कैरी कर सकते हो, बाकी ये मम्मी के लिए था तो वो उनके हिसाब से वो कैरी करेंगी। एंड जो मेरा, अगर मैं इसको पहनूँ तो आप इसको डेनिम के साथ या फिर ऐसे प्लाजो के साथ, एंड आजकल तो ऐसा हो रहा है ना कि सूट कुर्तियों के नीचे इन सब चीज़ों को इग्नोर मारें। सो ये इतनी सारी कुर्तियाँ, और मैं इनकी लिंक डाल दूंगी और बाकी आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। एंड अगर आपको ये ब्लॉग नहीं हॉल अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, एंड पीछे बैकग्राउंड की चीज़ों को इग्नोर करें क्योंकि मेरे घर के जस्ट बाहर पार्क है, तो फिर वहाँ पे बच्चे खेलते रहते तो आवाज़ आती रहती है, तो फिर उसको इग्नोर करें एंड तो मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ। और बाकी अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड मेरे और भी वीडियोज़ हैं, प्लीज़ उन पर भी लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड बाकी मैं और भी हॉल्स लाने वाली हूँ जो कि और भी अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, मैंने सोचा है मैं सब चीज़ दिखाऊँ अपनी, एंड मेरे जो बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं वो सब बाद में आपको दिखाती हूँ और करती हूँ। So thank you so much and love you, bye.